ओ वो हम 10 दिन बाद मिल रहे हैं ना। मतलब इतना स्टैमिना तो सनी लियोनी और मिया खलीफा के पास भी नहीं है और ये दीदी पूरा का पूरा दुकान लेके घूम रही है। तो स्वागत है आपका ले लो मगर प्यार से में। तो आज हम लेने वाले हैं अपने प्रिय पुत्र पाकिस्तान की, जिसके कॉन्डम के एड्स भाई अलग ही लेवल पे बन रहे हैं। बोले तो लॉजिक के साथ साथ ये भाई लोग चूतिया भी काट रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट टाइट नहीं करना ला, नहीं तो लगे फटा कर दे तुम लोग का टाइट हुआ होगा। अभी रुको जरा, सबर करो। ठंडा है? बिल्कुल है छोटे, मैडम के लिए ठंडा लाना। ये ले, ये पीने के बाद आप भी करेंगी। ये ठंडा नहीं, असल वाला जिससे मैं करूंगी। प्रर, प्रर, प्रर। नहीं, ये एड बनाते वक्त कौन सा माल फूका था मेरे को बस ये जानना है। और भाई साहब, ये कॉन्डम कौन सी मटेरियल का बना है कि इंसान इसको लगाने के बाद ऐसी हरकतें करने लगता है। प्रर, प्रर, प्रर। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। मटेरा। हाय जान, चेक इन करने वाली है, बस कुछ ही घंटों की बात है। See you soon. मैडम, बैग चेक कराएं। ये कोई रंडी कह रहा है? वो मैं उनसे 10 दिन बाद मिल रही हूँ ना। जिंदगी जियो जोश के साथ। सामने में जब जॉनी सिंस का नाजायज जेरोक्स खड़ा है तो उनसे मिलने की क्या जरूरत है, यहीं पे स्टार्ट कर दो। और 10 दिन बाद मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाद में ऐसा फील हो कि चींटी सुरंग में घुस रहा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ भाई, क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए। क्या चीज? टॉफी, बिस्कुट, चिंगम? नहीं, वो ये नहीं, वो वाला ये वो ये नहीं नहीं भाई, आज ही बोल दे। अरे कॉन्डम मांगने में तेरी इतनी फट रही है तो एक काम कर, पन्नी बांध ले। जिस तरह इंडिया में सनी लियोनी फेमस है कॉन्डम के एड के लिए, उसी तरह पाकिस्तान में माथिरा फेमस है कॉन्डम के एड के लिए। बोले तो नाम एक एड अनेक। इस घर में सिर्फ ठंडा चलेगा। ठंडा मतलब जब सच में चलता है ना तो सब कुछ ठंडा नहीं गरम हो जाता है और तुम्हें ठंडा चाहिए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे। और जिस तरह से भर भर के तुम लोग कॉन्डम दिखा रहे हो ना एड में, सच सच बता दो, देश का सारा बजट कॉन्डम पे तो नहीं लगा दिया ना? वैसे लगाना भी चाहिए, नहीं तो इन जैसे कुछ चूतिए पैदा हो जाते हैं। वैसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये फटे कॉन्डम का नतीजा है। तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। 1.5 घंटा पहले आ रहे थे। बस आसिम ने शो लगाया था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। बहुत तेज हो रहा है। इसे देखने के बाद एक पल को मियां खलीफा भी बोल दे बेटा हमसे ना हो पाएगा। और ये मैडम 1.5 घंटे का शो इस तरह से देख के आ रही है जैसे कि चचा का बगीचा से घूम के आई हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय।